एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक और नई एकदम अच्छी सूचना लेकर के आए हैं। आज हम भाई बात करने वाले हैं कि कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर कौन कौन सी बैंकें हैं जो हमें क्रेडिट कार्ड एग्जिस्टिंग कार्ड की डिटेल के ऊपर, अगर हमारे पास कोई पहले से क्रेडिट कार्ड है तो ऐसी कौन सी बैंकें हैं जो हमें ऐसा फीचर देती हैं कि हम नया क्रेडिट कार्ड भाई अप्लाई कर सकें एक बैंक के अंदर। तो आज ये हम देखते हैं इन्हीं की एक छोटी सी लिस्ट मैंने निकाली है कि भाई कौन कौन सी बैंकें हैं जो कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर क्रेडिट कार्ड अप्रूव करती हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार देखो सबके पास में ITR सेल से नहीं रहता है, तो इस कारण से भाई हमें कई बार होता है कि हमारे पास में कोई कई बार तो कैसे हमें कोई क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल मिल जाता है, या फिर सिर्फ सिविल बेसिस के ऊपर में हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर। तो ये एक कारण है, मतलब कि हर एक व्यक्ति तो भाई देखो सैलरी स्लिप वाला ITR वाला तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो ऑनलाइन की चीज़ों में ये दोनों चीज़ें ITR और सैलरी स्लिप नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी वो बैंकें हैं जो हमें कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर से हमें ऑप्शन देती हैं। तो भाई मैंने कुछ लिस्ट निकाली है, बाकी कुछ बैंकें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर जरूर कर लूँगा। सबसे पहला बैंक आता है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री आते हैं, और सभी कार्ड के ऊपर लगभग हमें कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर का एक ऑप्शन मिलता है, मतलब कि एग्जिस्टिंग कार्ड की हमें कुछ डिटेल डालनी पड़ती है तो वो फिर सिविल में से हमारे जो चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से निकाल लेते हैं, और भाई आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल और अच्छी लिमिट हमें IDFC के अंदर देखने को मिल जाती है। मैंने भी ये जो मिलेनिया है वो कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर ही लिया था। और सेकंड है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिलता है कि हम हमारे पास में एग्जिस्टिंग कार्ड जो कार्ड पहले से है उस कार्ड की डिटेल डाल करके हम एक नया कार्ड भाई ले सकें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। मैंने ट्राई किया था लेकिन भाई रिजेक्ट हो गया था एड्रेस की प्रॉब्लम के कारण। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें ऑप्शन देता है कि हम भाई कार्ड ले सकें कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर। तीसरा बैंक है SBI। SBI कई केसेस में हमें ऑप्शन देता है लेकिन कई केसेस में ऑप्शन नहीं देता है, डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन जो आता है जब हम कार्ड अप्लाई करते हैं SBI के अंदर, तो वहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन में भाई अल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड का नंबर डालने को बोलता है। हालांकि वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट के लिए बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन वही मिलता है SBI के अंदर ऐसा नहीं है, उससे चांसेस आपकी और बढ़ जाते हैं कार्ड के अप्रूवल के। अब भाई चौथा बैंक है हमारा AU बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक कार्ड है, एक एक्साइड नाम से एक कार्ड है, वो बना ही भाई इसी लिए है, आप स्क्रीन शॉट जैसा कि देख पा रहे हैं वो इसी के लिए बना है कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो हमारे पास आओ, आपका एक थोड़ा सा सिविल बस अच्छा सा होना चाहिए और आपका जो कार्ड है वो पुराना होना चाहिए, कम से कम छः महीने एक साल का आपका कार्ड पुराना होना चाहिए, बाकी हमारे पास आओ। उन्होंने मतलब क्लियरली लिख रखा है कि आपके पास में अगर पहले से कोई कार्ड है तो आप हमारे पास में आओ, हमारे पास अपनी जानकारी दो, आपके पास जो कार्ड है वो हमें उसकी जानकारी दो, और भाई हम आपको AU बैंक का कोई एक नया कार्ड आपको दे देंगे, वो भी लाइफ टाइम फ्री, एक्साइड नेम से कार्ड वो आसानी से मिल जाता है। और एड्रेस की प्रॉब्लम देखो, एड्रेस और आपका जो कार्ड है वो थोड़ा 6 महीने पुराना और 1 साल पुराना होना चाहिए, और एड्रेस सर्विसेबल होना चाहिए, बस दो चीज़ें होनी चाहिए और तीसरी है सिविल, ये तीन चीज़ें रहती हैं तो कार्ड आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर आपको कार्ड दे दिया जाएगा। तो AU के अंदर भी एक अच्छी फैसिलिटी है। भाई चार बैंकों के हमने नाम ले लिए हैं, अब पाँचवा है भाई ICICI में हमें डायरेक्ट तो ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन कॉल के द्वारा इसको मतलब ट्रिक्स लगा करके कॉल के द्वारा हम इसको कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर ICICI का कार्ड ले सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि ICICI देगा कार्ड टू कार्ड बेसिस के ऊपर या नहीं। ये थे भाई कुछ चार पांच बैंक हैं, जिनमें से चार तो ऐसे हैं जैसे कि IDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और AU स्मॉल फाउंड। तो इनमें से भी अगर हम और फिल्ट्रेशन करें तो IDFC के अंदर 100% मिलता है, और BOB के अंदर
और एयू बैंक के अंदर। एयू बैंक का तो फर्स्ट नंबर पर मैं इसको रखूँगा, सेकंड रहेगा IDFC। तो ये जो चार पांच बैंक हैं इनके अंदर हमें कार्ड टू कार्ड बेसिस का ऊपर हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यार, मतलब कि देखो एयू तो मतलब डेडिकेटेड उनका एक पोर्टल है, मतलब कि अलग से जब आप एयू का एक्साइट क्रेडिट कार्ड सर्च करोगे तो वहाँ पर सिंपली भाई सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया कि भाई आओ हमारे पास में कोई एग्जिस्टिंग कार्ड है तो हमारे पास में हम आपको नया कार्ड दे देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हर बैंकों को ये चीज़ लागू को करनी चाहिए। तो बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मन चाहे कार्ड को। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।